बड़नगर गांव दुनालजा संचालक कालू सिंह चावड़ा को लगातार 20 वर्षों से गोपाल शाला में सेवा कर रहे थे। उनके लड़के मेहरान सिंह चावड़ा जो अभी वर्तमान में गौशाला में कार्य कर रहे हैं। आसपास के 50 गांव से सभी ग्रामीण क्षेत्रों से सहायता प्रदान होती है। गोपाल गौशाला में 100 गायों का प्रधान है जो आसपास के वरिष्ठ गांव के लोगों से मदद मिलती रहती है। मान्यता के अनुसार गौ माता के तीर्थ में तीर्थ यात्रा होती है। 30 पशु आहार की ढेली भी दी गई और एक खल की बोरी भी दी गई। गांव बेसला खुर्द की ओर से दी गई। अगर आप आधुनिक सोच रखते हैं तो 2 गाय पाल कर अपने घर ले जा सकते हैं। हर अमावस के दिन भोजन भी करवाते हैं जो आसपास के गांव से भी गोपाल गौशाला में भोजन करने के लिए पहुंचते हैं। सब बैठ के चर्चा करते हैं गायों के बारे में। गौशाला के प्रबंधन में वर्षों का अनुभव व मूल गाय नस्लों के बारे में गहन ज्ञान के साथ साथ उनके बनाए रखना इस गौशाला के संस्थापकों का अपने नए उद्यमों की स्थापना के साथ एक महान मिशन भी है। गाय की नस्ल की कुशल देखभाल की जाती है। गोपाल गौशाला में अमावस्या के उपलक्ष में अजय मणि शर्मा के पूज्य पिताश्री रमेश चंद्र जी शर्मा, अजय मणि शर्मा, प्रहलाद रजनीश पाठक, लबायचा की ओर से भोजन प्रसादी रखी गई। रिपोर्टर किशन गुर्जर। खुर्द से गोपाल गौशाला मालपुरा दुनालजा तहसील बड़नगर जिला उज्जैन मध्य प्रदेश बेसला खुर्द गांव है इंगोलिया के पास में तहसील बड़नगर। आपने गौ माता के लिए जो बाढ़ में गौ माता कमज़ोर हुई थी पानी की वजह से गौ माता को खिलाने के लिए पूरे गांव वालों ने मिलकर 35 कट्टा पशु आहार पहुँचाई है गौ माता के लिए। गौ माता सदैव आप पर कृपा बनाए रखे। बेसला वालों को धन्यवाद कि गौ माता को खिलाने के लिए व्यवस्था की है। गौ माता उनके परिवार पर कृपा बनाए रखे। जय गौ माता, जय श्री कृष्ण।